नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। ये जगह देख के आप पहचान जाएंगे, ये झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हवाई पट्टी चौराया है। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये सीकर जयपुर से हाईवे आ रही है और दूसरी तरफ झुंझुनू के अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ ये हाईवे चली जाती है। ये तस्वीर आज मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही आप इस मुख्य चौराहे और मुख्य हाईवे के हालात देख के समझ जाएंगे कि आखिर झुंझुनू जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। ये तस्वीरें वास्तव में झुंझुनू जो वीरों की भूमि है उसके लिए शर्मनाक है। पास में आपको नाला दिखाई देगा, वहाँ तक बराबर तक यहाँ पे पानी भर चुका है। अभी आप देखोगे कि इधर जो गांव की तरफ ये रास्ता जाता है, हवाई पट्टी चौराहे पे जो रेलवे फाटक बना है उसकी तरफ ये जा रहा है। यहाँ इस जगह पे जहाँ वो टेम्पो निकल रहा है वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है, पानी पूरे तरीके से भर गया है। बाइक सवार जब यहाँ से निकलते हैं और कोई अनजान निकलता है तो कन्फर्म हादसे का शिकार हुए बिना वो रह नहीं सकता। ऐसे ही कुछ हाल यहाँ के हैं। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, नेताओं द्वारा चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन उन वादों के ऊपर कभी काम नहीं किया जाता और ऐसा ही हाल कुछ अब है। अब आप सोच के देखिए कि जब बारिश का मौसम आएगा और फिर मूसलाधार बारिश होगी तो यहाँ हाल कैसे बन जाएंगे। अभी मैं कोशिश करूँ तो आगे की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो जो हाईवे के आगे जहाँ रास्ता जा रहा है, हालांकि पानी अब तो सूख चुका है, निकासी हो गई होगी कुछ, नहीं तो यहाँ पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैदल क्या गाड़ियों से भी आदमी निकल नहीं सकता। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से निकल नहीं पाती और ऐसा सिर्फ इसी जगह पे नहीं है, ये आगे तक आने और जाने दोनों जो रास्ते हैं उन पे हमेशा हाल ऐसा ही बना रहता है। साथ ही बात करें तो ये जो सामने हाईवे है ये टोल रोड है। अब समझ में नहीं आता कि किस बात का टोल लिया जाता है और ये हालात कब सुधरेंगे। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं दोस्तों और अगर झुंझुनू जिले से जुड़े हो तो झुंझुनू के सांसद महोदय, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के विधायक और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये सवाल ज़रूर करना कि आखिर झुंझुनू में एंट्री की जो जगह है जहाँ से हम झुंझुनू में एंटर होते हैं बाहर से आने के बाद में, उसके हालात ऐसे क्यों हैं। आपने इतने सालों में काम क्या किया है और किस आधार पर आपको वोट दिया जाए। लेकिन ये समस्या तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप जाति के नाम पर, खुद के गोत्र के नाम पर और पैसों के लालच में या फिर किसी दूसरे लालच में वोट देते रहोगे या किसी को हराने के लिए वोट देते रहोगे। जब तक आप विकास के मुद्दों पर वोट नहीं करोगे तब तक इन हालातों में सुधार होना संभव नहीं है। अभी आप देखोगे इस साइड में एक जो कच्ची बस्ती है, आप सब जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन के से रेलवे फाटक हवाई पट्टी चौराहे तक ये कच्ची बस्ती है और यहाँ से एक बच्ची है वो किस तरीके से इस रोड को क्रॉस कर रही है। वास्तव में झुंझुनू के ऐसे हालात शर्मनाक हैं।